गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और हम लोग अभी कॉफी लेकर बैठ गए हैं यहाँ पे, और बाहर का व्यू जो है बहुत ही खूबसूरत है। दिखाती हूँ मैं, देखिए इतने सारे फूल और प्लांट्स तो पहले से ही लगे हुए हैं, और बाहर का व्यू देखिए जरा, बहुत ही खूबसूरत। बारिश हुई पड़ी है तो बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, एकदम ऑसम व्यू है मॉर्निंग मॉर्निंग का, एकदम शांति और चिड़ियों की आवाज एंड कॉफी। सुबह सुबह ये मिल जाए तो दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी हो जाती है। तो आज पार्ट टू व्लॉग है, और हम आज देखेंगे कि कहाँ जा पाते हैं हम लोग, आज का एक्सप्लोर हम लोग कहाँ करेंगे कुर्ग में। फिलहाल तो कॉफी आ चुकी है हमारी, और हमारा नाश्ता भी जो है वो भिजवा दिया गया है। तो कॉफी पीने के बाद थोड़ा ये जो है अपने ही जगह पे बैठे बैठे साइट सीइंग करने के बाद जो है नाश्ता करने के बाद हम लोग रेडी वेडी होके निकलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग सो के उठे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बैठ गया है और हम लोग भी अपने ये गैलरी वाले एरिया में बैठे हुए बाहर का व्यू इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ आने से पहले बहुत हमने सर्च किया कहाँ जाना है नहीं जाना है, बट यहाँ आके ये कंफर्ट जोन में आके वाकई बहुत कंफर्टेबल घर है। पूरा एक पूरा प्रॉपर घर दे देना ये होटल में पॉसिबल नहीं हो पाता है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो कॉफी पीने के बाद आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ मैं। नहीं अच्छा लग रहा है, सही ठीक है। काफी बारिश हुई है देखिए यहाँ पे, ले आओ उसको, ज्यादा देर नहीं होती तो लेकर चलो आगे। वाह क्या नजारा है, बंद करो वो अपना गेट, बंद करो। तो अभी मैं जस्ट घर के नीचे ऐसे ही जस्ट कैजुअली वॉक के लिए उतरी हूँ, और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और पीछे देखिए जिस होम स्टे में हम रुके हैं, वो होम स्टे यही है, कंफर्ट जोन लिखा भी हुआ है, बट एक बार अच्छे से व्यू करा देती हूँ। अंदर से तो आपको पूरा दिखाई दिया है, बाहर से घर कैसे दिखता है वो दिखा देती हूँ। ये हमारा घर कंफर्ट जोन, और देखिए हर तरफ कितना लश ग्रीन, कितना सीरीन ब्यूटी नजर आ रहा है। और ऊपर ऐसे दो कमरे हैं जो भी गेस्ट आते हैं यहाँ घूमने के लिए। और देखिए कितना सारा प्लांट लगा के रखा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। और हमारे जाने के लिए ये है स्टेयर्स, थोड़ा देखो इधर हम नीचे हैं, और ये हमारी गाड़ी, ये है पार्किंग एरिया। और देखिए अंदर भी कितना सुंदर तरीके से, कितने सारे फूल हैं, नीचे है नीचे, देखो गेट के पास देखो, रुको जूम कर रहे हैं, टाटा करो, कृषु कहाँ है दिखाओ उसको। ये है प्रॉपर्टी का एरिया, पार्किंग एरिया, यहाँ पे दो गाड़ियां आराम से लग सकती हैं। और देखिए कितना खूबसूरत
कितने सारे फूल खिल रखे हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल, एकदम कलरफुल, इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में। इतना ज्यादा प्लांटेशन यहाँ पे हो रखा है और जो ओनर हैं उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत बागवानी की है। और देखिए इतने तरह तरह के फूल हैं कि जैसे लग रहा, पहले तो मैंने इतने तरह के फूल मैंने देखे ही नहीं है। यहाँ आके तो और भी वैरायटीज देखने को मिल रहा है मेरे को। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में और इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं फूल के। तो बाहर से भी आपको प्रॉपर्टी दिखा दिया और अंदर से तो मैं डे वन को ही दिखा चुकी थी कि अंदर का रूम मतलब कैसा है। तो इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छा है, गुड होम स्टे, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप कुछ चाहते हो कि आप खुद से अपना कॉफ़ी चाय बना सको तो किचन भी अवेलेबल है ही, आप चाहो तो, और इंडक्शन भी दे रखा है, आप चाहो तो अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। मुझे इसलिए ज़रूरत थी कि भाई मुझे बच्चे के लिए खाना प्रिपेयर करना था इसलिए। और वो लोग देखिए यहाँ से उधर वो लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से सनराइज़ अब धीरे 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 हल्की हल्की जो गोल्डन गोल्डन धूप निकल रही है, खिली हुई धूप जो है धीरे धीरे आ रही है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा नज़ारा अभी देखने को मिल रहा है यहाँ से। ला रहे वही नाश्ता, ये देखिए। तो देखिए हमारा नाश्ता आ गया है, एकदम गर्मा गर्म क्या बोलते हैं डोसा, मतलब थोड़ा अप्पम जैसा ही लग रहा है बट है ये डोसा। ये चटनी आ गई है और ये आलू भज्जी आ गई है हमारी। हमने पूरा लगा दिया है सेटअप और नाश्ता करने के लिए ये भी अलग एक्सपीरियंस है, वुडन लॉग्स है बने हुए हैं, बहुत अच्छा सिटिंग आ रही है, एरिया बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ बस बिस्तर लगाना बाकी है। देखिए कितना अच्छा है, लॉक्स बना के रखे हैं, आराम से आप बैठो यहाँ इंजॉय करो और इस तरह का साइट सीइंग का व्यू इंजॉय करो, कितना अच्छा लगता है देखने में ऐसे। आलू की भज्जी विद चटनी एंड डोसा। सिंपल बट टेस्टी, काफी अच्छा लग रहा है इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करना सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और पार्ट टू ब्लॉग शुरू हो चुका है। मॉर्निंग का तो मैंने आपको दिखा ही दिया था कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, कॉफी वगैरह पिया, उसके बाद जल्दी जल्दी बच्चे का कुछ खाना प्रिपेयर किया। उसके बाद आज हम लोग आए हैं पार्ट टू व्लॉग में। ये निसर्ग धाम बोलकर कोई जगह है, डियर पार्क है, प्लस कावेरी रिवर भी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आज हम वहीं आए हैं, फेमस जगह में से एक जगह ये भी है, निसर्ग धाम बोलते हैं इसको, और काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। तो अभी हम मेन रोड से एंटर किए, एंटर का हम लोगों का 2 लोगों का 30 रुपीज टिकट लगा है और यहाँ गाड़ी पार्क की हुई है, वो भी आपको नज़र आ ही रहा होगा। और आगे बढ़ रही हूँ, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए पीछे कितने सारे शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ड्रेस वगैरह भी है, एक्सेसरीज भी है। तो मैंने भी अपने लिए एक ये छोटा सा हैंडबैग लिया है और देखेंगे और क्या क्या खरीद सकती हूँ मैं। देख कर
ना हो यहाँ रहो। इमो है ना? ऑस्ट्रिच है। देखिए ये रहा ऑस्ट्रिच, दो दो बड़ी बड़ी ऑस्ट्रिच। और यहाँ पे आपको काफी सारे जो एनिमल्स है वो देखने को मिलेंगे, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस, कुछ भी नकली नहीं, सब ओरिजिनल देखने को मिलेगा। फिश टनल, स्नेक्स एंड और क्या क्या भैया, मकाऊ, ये सारी चीजें आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप यहाँ आते हैं निसर्ग धाम, तो इस एरिया यहाँ पे आप जरूर, मस्ट विजिट प्लेस है, जरूर विजिट करें। तो सब बहुत चीजें हैं यहाँ पे, तो तुमको नीचे ही रहना चाहिए था ना। हाँ भैया आएंगे, पहले देख लें चारों तरफ। नहीं भैया डर लगता है मुझे। हमने ले ली है एंट्री टिकट, पर हेड हम लोग दो लोगों का 120 रुपीज टिकट लगा है। और बैकग्राउंड देख ही रहे हैं और लोगों की भीड़ भी देख रहे हैं, तो अंदर जिपलाइन वगैरह भी कर सकते हैं और बर्ड्स पार्क भी है, डियर पार्क भी है। तो अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है। वाओ, चलो चलो चलो, मजा आ रहा है सच में। ये वही ब्रिज जैसा है क्या? वाओ, हाँ ये क्लियर है अच्छे से। कुछ ज्यादा ही भीड़ नहीं आ गई है? और ये हम लोग, डर भी लग रहा है यार। आजा आजा उर्वा, अंदर 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 निकला फोटो। ये देखिए पीछे, ये देखिए मस्त जगह है ना, मस्ट विजिट प्लेस है ये। चलो चलो आगे चलो। देखिए बैक वाटर है, शायद कावेरी का है, कावेरी रिवर का। ओ बहुत लोग हैं, और ऐसा ब्रिज है, पीछे लोग दिख रहे होंगे। बोटिंग नीचे होती है, ये जगह में नहीं उतरेगा वो, कहीं नहीं उतरता। नहीं कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये जगह मस्त लग रही है, पूरा जंगल जंगल हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं पद यात्रा, और काफी लोग हैं, बहुत अच्छा। अंदर डियर पार्क वगैरह भी है, बर्ड्स पार्क भी है, बहुत चारों तरफ जंगल ही जंगल, मजा आ रहा है। अच्छा लगा मुझे आज पार्ट टू ब्लॉग। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको ये ब्लॉग जो है
पार्ट टू व्लॉग कुर्ग का बहुत पसंद आ रहा होगा और वाकई में मस्ट विजिट प्लेस है ये निसर्ग धाम। बहुत कुछ देखने को और पूरा दिन फुल टाइम पास के लिए बहुत अच्छा है ये जगह। पूरा दिन बहुत सारे गेम एक्टिविटीज भी है, जिपलाइन वगैरह भी है, स्केरी हाउस है और फिश टनल वगैरह है। आप चाहो तो बहुत कुछ यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। पूरा डे मतलब एक तरह से पूरा डे आउटिंग है, पूरा टाइम पास कर सकते हो आप यहाँ पे। देखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी देखते हैं कि डियर पार्क कहाँ है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और काफ़ी पूरा जंगल 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 है। तो मुझे फिर से एलपी की याद आ गई, वाकई में बहुत लेकिन बहुत खूबसूरत है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने, शायद हो सकता है कोई कोडावा जाती हो, उनका एक मेल डांस का वो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या देखने लायक है यहाँ पे। अरे यार देख के चलो। तो ये हम लोग आए हैं अभी बर्ड्स पार्क में, दिख रहा होगा कितने सारे पंछियां, एकदम कलरफुल और बहुत ही ऑसम प्लेस है। एकदम ओपन पूरा फुल जंगल एंड बहुत सारे अलग अलग तरह की पक्षियां हैं। आगे बढ़ते हैं और मेरा बेटा जो है पूरा एंजॉय कर रहा है मस्त। अरे यार यहाँ तो बारिश शुरू हो गई। शिशु कक कक। लेने वाले थे।
आए तो थे घूमने, लेकिन यहाँ बारिश का कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकता। हम लोग फंस गए बारिश में और अभी देखो कितने सारे लोग शेड के नीचे बैठे हुए हैं। और देखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बारिश शुरू हो गई तो हम लोग फंस गए यहीं पे। अब बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं हम लोग। डर लग रहा है मेरे को, लेकिन मजा आ रहा है। वाह मजा आ रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है, लेकिन मजा आ रहा है। आंटी अब उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो बेटा, तेरे को क्यों है? हाँ दादा, हाँ जल्दी इधर देखो, इधर इधर। अरे बाप रे, पूरा ऐसे ही बेटी जो हम लोग शाम के टाइम उसको अंदर डालने के बाद बुल बुला के जो सोता हाथ से ऐसा 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 अंदर कैसे जाता है? ऐसा अंदर। अच्छा उसके अंदर डालना होता है? हाँ, रूम पे डालने आए, बाहर नहीं सो सकते। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है और बर्ड्स पास तो देख के हम लोग निकल आए। यहाँ पे पीछे ट्री हाउस बना है और यहाँ एक छोटा सा शेड बना के रखा है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। थोड़ा अच्छे से बारिश रुक जाए तो फिर डियर पार्क देखने जाएंगे हम लोग। ये देखिए ऊपर कुछ लड़के बैठे भी हैं। फिलहाल हम लोग शेड के नीचे आए हैं यहाँ पे। यही से एग्जिट भी है, यही चलो, यही से वापस मोड़ के वापस निकल लेंगे। क्या है वो? पीछे अभी फिलहाल तो दो ही डियर दिख रहे हैं। जितना भी है पॉसिबल हुआ उसको कैमरे में कैद कर लिया अच्छे से, और काफी इनको बहुत बड़ा स्पेस दिया गया है अपने घूमने चरने खाने पीने के लिए। अच्छा है ताकि इनको भी फील आएगा कि ये प्रॉपर जंगल में रह रहे हैं, इनको कैद करके ऐसा नहीं रखा गया है। अब पूरा एरिया तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल है और बहुत बड़ा है। लेकिन थोड़ा मौसम जो है चीटिंग कर दिया हम लोगों के साथ। खैर पहाड़ों पर तो बारिश का कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। फिर भी अभी बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी है तो जितना जल्दी जल्दी कवर कर सकूं
उतना जल्दी जल्दी कवर करके हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। हम बच्चे को पकड़ लेंगे, तुम चले जाओ। हाँ अंदर पूरा नहीं घूमे हम क्योंकि मौसम उतना खास नहीं है और मेरा जूता भी बह गया कावेरी नदी में। ये देखिए, अब यहाँ से मुझे एक नया सैंडल या जूता जो भी है लेना पड़ेगा, बट बहुत अच्छा रहा। देखो यहाँ तो डियर पार्क देखा, बर्ड्स पार्क देखा, उसके बाद और ज्यादा की आगे जाने की हिम्मत हमने नहीं की क्योंकि एक तो मेरा जूता भी बह गया कावेरी नदी में, तो मैं नंगे पैर ज्यादा अंदर नहीं जा पाई, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत देख के बाहर निकल आए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग।